वो तो पहले ही कह चुके हैं, मैं तो आनंद लेने के लिए आता हूं, बीएसपी से जीतता हूं, कांग्रेस में शामिल होता हूं और मंत्री बन जाता हूं, और उनको देखो मेरा कमाल, देखो मेरी योग्यताएं। राजस्थान की विधानसभा में जिस तरह का घटनाक्रम कल हुआ था और इससे पहले राजेंद्र गुंडा को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया, इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, घटनाक्रम बड़ा निंदनीय है और हमारा उदय प्रवाटी इससे जुड़ा हुआ है। राजेंद्र गुड्डा उदय प्रवाटी के विधायक हैं और वे वीएसपी से जीत के और अपने स्वार्थ के लिए कांग्रेस पार्टी में आ जाते हैं, जनता का विश्वास को तोड़ते हैं। आदरणीय अशोक जी गहलोत को सरकार बनानी थी, कांग्रेस की मजबूरी थी, इसलिए जो सहयोगी पार्टियां होती हैं, मिलने वाली विचारधाराओं वाली, जैसे बीएसपी है, बीएसपी के लोगों को उन्होंने कांग्रेस में शामिल किया और शामिल करके उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए कांग्रेस का सहयोग दिया, कांग्रेस सरकार का सहयोग दिया। हम उनका बड़प्पन भी मानते थे आज तक कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी का सहयोग किया। उन्होंने सहयोग देके जो कांग्रेस पार्टी की मलाइयाँ थी वो उन्होंने खाई और पूरे 4.5 साल से अधिक समय तक उन्होंने उस मलाई को खूब चखा, आनंद लिया, उसका राज का आनंद लिया, राज की सुविधाओं का आनंद लिया। और आज जब समय आया कांग्रेस को उस मलाई खाने का, वापसी करने का समय आया, चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी रिपीट होने के ओर चल रही है सरकार, उस रिपीट होनी सरकार की छवि बहुत बड़ी है राजस्थान में। माननीय अशोक जी गहलोत ने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं जनता के हित में, उन कामों पर पानी फेरने के लिए इन्होंने भाजपा से मिलकर जो षड्यंत्र रचा है वो बहुत ही घिंगोना और निंदनीय है उनके। राजेंद्र जी गुड्डा महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, उन्होंने माननीय अशोक जी गहलोत को उदय प्रभाटी में अपने बच्चे के जन्मदिन पर, हम भी गए थे उस कार्यक्रम में, माननीय अशोक जी गहलोत आए थे, उनके सम्मान में हम भी गए थे, परंतु उन्होंने इस सम्मान को रात को शाम होते होते उस सम्मान को सारे को बंटाधार कर दिया, बार बालाओं के साथ खुद नाच रहे थे। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति महिलाओं के साथ अर्धनग्न अवस्था के अंदर जो नृत्य करता है, आज वो राजस्थान विधानसभा में महिलाओं के सम्मान की बात करता है, बड़े ही अच्छा कार्य नहीं है गुड्डा जी का ये? गुड्डा जी ठीक है, राजनीति अपनी जगह होती है, पर तो ऐसे असम्मानजनक और माननीय अशोक जी गहलोत के प्रति जो एक देश में एक उदाहरण है अपने आप में, जिनके प्रति कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो कितने ऐसे लोग कम ही पैदा होते हैं देश में जिन्होंने देश राजस्थान की इस सुव्यवस्था दी और उन गरीब लोगों तक अपना सरकार का जो लाभ है वो उन गरीबों तक के उनके द्वार तक पहुंचाया, स्वास्थ्य का, रोजगार गारंटी अधिनियम लाके युवाओं के लिए जो कार्य किया, उन पर आज पानी फेरने पर लगे हुए हैं। मैं उन गुड्डा साहब से कहूँगा कि आपको इस घोर निंदनीय कार्य के लिए आपको माफी मांगनी चाहिए सरेआम। हम भी आज तक उनके खिलाफ कभी बोले नहीं, पर तो आज बोलने पर मजबूर हो गए हैं कि उन्होंने ऐसा कार्य किया विधानसभा में और पूरा देश उस चीज को देख रहा था कि एक व्यक्ति जो निष्कलंक है आज तक अपने इतने 50 साल के राजनीतिक जीवन में, जिन पर इन्होंने लाल डायरी के रूप में, जिसमें कुछ नहीं है, लाल डायरी में कुछ होता तो मीडिया के सामने रखते, मीडिया के सामने लाते, और उनको घर का बेदी थे वो अशोक जी गहलोत के, तो वो विवेक्षण क्यों बने? उनको विवेक्षण नहीं बनना चाहिए था, वो तो पहले ही कह चुके हैं मैं तो आनंद लेने के लिए आता हूं, बीएसपी से जीतता हूं, कांग्रेस में शामिल होता हूं और मंत्री बन जाता हूं, और उनको देखो मेरा कमाल, देखो मेरी योग्यताएं, तो उनके लिए तो क्या कहें मैं उनको, मेरी ओछी बोलने की आदत नहीं है, गुड्डा साहब कुछ भी बोल सकते हैं, मैं ओछा नहीं बोल सकता। ये गुण होते हैं वो खुद के पारिवारिक गुण होते हैं जो ओछा नहीं बोलना चाहिए। मैं गुड्डा साहब से भी कहूंगा कि आप भी ऐसे ओछे न बोलें, कांग्रेस ने आपको बहुत कुछ दिया, मान सम्मान दिया है, उदय प्रभाटी की जनता ने मान सम्मान दिया है, उसका अपमान मत करिए। ठीक है, आप अपने स्वार्थ के प्रति कुछ भी कर रहे हो वो करें, परंतु सरकार और माननीय अशोक जी गहलोत और जो मंत्रियों पर जो आरोप लगा रहे हैं वो बड़े ही गलत और घिंगोने, जिसमें आप खुद भी शामिल हैं मंत्रिमंडल में, 2 दिन पहले तक आप भी शामिल थे, क्या आप भी उसमें शामिल हैं, दुष्कर्म के आरोप लगा रहे हैं, बड़ा ही घिंगोनाकारी है गुड्डा साहब आपके लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, हम इसकी निंदा करते हैं, बिछाएंगे
कांग्रेस की हमने दरियां बिछाई हैं और बिछाएंगे। आप हमारी दरियों पे आके बैठे, आप राज में गए, राज के मजे लिए, हमने कभी आपका विरोध नहीं किया, आपका मान सम्मान ही रखा। आपने गलत कार्य किए उदयपुर वाटी में, उपखंड अधिकारी ने इतना भ्रष्टाचार कर रखा था वो आपकी सह के पेटे नहीं कर सकते बिना सह के, परंतु हमने उनको भी सहन किया और उनके विरुद्ध भी हमने लोगों को कहा कि नहीं ये सरकार के विरुद्ध होगा, हमारे मंत्री साहब के विरुद्ध होगा, परंतु उसके बावजूद भी आप नहीं संभल पाए। आज पूरी उदयपुरवाटी जनता जानती है, पूरे उदयपुरवाटी के एडवोकेट्स जानते हैं कि उदयपुरवाटी के उपखंड अधिकारी ने आपकी सह पाके क्या क्या गलत काम किए थे। तो ऐसा है कि भ्रष्टाचार कहां है, भ्रष्टाचार तो आपको रोकना चाहिए था परंतु आप नहीं रोक पाए। भ्रष्टाचार सरकार में नहीं है, भ्रष्टाचार तो व्यक्तियों में है जो अपने आप ही गिरेबान में नहीं जानते।